हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे पहुँचे हैं मैन्युफैक्चरर्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, बनारसी साड़ी हो या सिल्क हो या उसके साथ साथ बेड शीट्स हो, कोई भी किसी भी तरीके का, आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में जो कपड़ा आपके लिए बड़ी अहमियत रखता है, जो बड़ा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, वो आपको इस कला केंद्र एग्जीबिशन के अंदर मिलेगा जो विक्रम चौक में है। यहाँ पे मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से आए हैं, चाहे अगर आप बात करेंगे गुलाब चंद जयपुर से हैं, अयान बनारसी हैं, उसके साथ साथ गैन इंटरप्राइजर्स हैं, कई और भी जो हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं। और हालांकि इतना ही नहीं, बल्कि ये कपड़ा जो है इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये बड़ा अच्छे जदीद आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में जो लोग पहनने की तलब रखते हैं, जिन लोगों को चाहत होती है, वो वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। भैया एक बात सुनना, एक मिनट, आप मुझे ये बात बताएं, आपका जो कपड़ा है इसकी क्वालिटी क्या है? सर मतलब क्वालिटी है, प्योर कॉटन बनाया हुआ है, कुछ सिल्क जो होगा सिल्क प्योर सिल्क मिलेगा यहाँ पे आपको। तो रेट क्या रहेगा? रेट तो बहुत होगा, कम रीजनेबल रेट होता है, नॉर्मल रेट रहेगा। नॉर्मल रेट कितने से शुरुआत होती है? मार्केट से 20% तक यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा आपको। कितने से शुरुआत होती है सूट साड़ी की यहाँ पे? सूट साड़ी मैक्सिमम 1000 से स्टार्टिंग होती है। अच्छा रहता है कपड़ा? अच्छा कपड़ा रहता है। तो ये आप वहाँ से आते हैं, आप कहाँ से आए हैं? सर हम जयपुर से आए हुए हैं, सांगानेर से। कितने दिन का एग्जीबिशन है? सर ये 1 month चलने वाला है। अच्छा ये 1 month का है? हाँ जी। तो इसमें आप लोगों को हर रोज नए नए कस्टमर्स मिलते होंगे? हाँ नए नए कस्टमर आते हैं। अगर नए नए कस्टमर्स मिलते हैं तो मुझे एक बात बताएं कि उन कस्टमर्स की कोई कंप्लेंट्स भी होती होंगी? नहीं कंप्लेंट्स कोई नहीं होती है, सब इतने कस्टमर आते हैं, सब खुश होकर जाते हैं यहाँ पे। सीरियसली? हाँ जी हाँ जी। सर हमारे साथ सर बात करने के लिए, सर आप मुझे ये बताएं, ऑल ओवर इंडिया से मैन्युफैक्चरर्स आते हैं सर, ये सर यहाँ पे आने का मकसद क्या है सर? मतलब आप लोग यहाँ पे आते हैं, क्या लेकर जाते हैं, क्या दे के जाते हैं? देने यही आए हैं लोगों को कि लोगों को अच्छी वैरायटी मिले। डायरेक्ट बुनकर हैं, सब हैंडलूम वीवर्स हैं, बनारस के, बिहार के, राजस्थान से, आसाम से, जयपुर से। सर ये महंगे भी तो होंगे? नहीं महंगे नहीं है, क्वालिटी बढ़िया है, सब हैंडलूम है ना, थोड़ा सा जो रहता है कॉस्टली, पर बाजार से बहुत सस्ते रेटों पर मिले, बाजार से रेट बहुत कम होंगे। अच्छा सर यहाँ पे जिस तरीके से पूरा एक महीना चलेगा एग्जीबिशन, तो कई सारे क्लाइंट्स आपसे मिलते होंगे नए, और कई सारे पुराने क्लाइंट्स भी आते होंगे, तो कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं? नहीं कंप्लेंट्स नहीं है हमारे पास, कंप्लेंट्स नहीं, ऐसी कोई नहीं है, कोई चीज़ डिफेक्टिव निकल जाती है हम रिप्लेसमेंट देते हैं उसकी, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं, डायरेक्ट व्यूअर से है और जेन्युइन प्रोडक्ट है सर। सर यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तमिलनाडु सिल्क, जयपुर सिल्क है, राजस्थान सिल्क है, तो सर हर एक स्टेट की अपनी अपनी क्वालिटी है? सब स्टेट्स की अपनी अपनी, जैसे बनारस की साड़ी बहुत बढ़िया है, तमिलनाडु की कांजीवरम सिल्क साड़ी आती है, बेंगलोर का सिल्क फैब्रिक है सूट्स के लिए। इसमें परख भी तो नहीं होती ना हम लोगों को कि सर ये क्या ओरिजिनल बनारसी साड़ी है, बनावटी है? नहीं, जो लेडीज पहनती हैं उनको सबको क्वालिटी का रहता है ध्यान, सबको ध्यान में, कस्टमर समझता है, कस्टमर को आज के डेट में नॉलेज है, ऑनलाइन नॉलेज है, कस्टमर को सब नॉलेज है कि क्या ओरिजिनल है क्या नहीं है। सर ऑनलाइन कितना डिफरेंस रहेगा? सर नहीं ऑनलाइन तो नहीं रहेगा, देखिए लेडीज आइटम में ऑनलाइन नहीं है, साड़ी वगैरह की जो फीलिंग है टच करके फीलिंग आती है वही है, ऑनलाइन नहीं है इतना साड़ी वगैरह का। जेंट्स में तो फिर भी आदमी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है, और लेडीज में ये हैंडलूम के प्रोडक्ट में तो आके छू के कस्टमर देख के क्वालिटी देख के ही परचेज करना पसंद करता है। मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से आए हुए यहाँ पे इस एक बहुत बड़े एग्जीबिशन के अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग स्टॉल्स लगाए हैं, चाहे वो बनारसी हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, उसके साथ साथ नाजमा सिल्क बनारसी हो, तो ये अलग अलग हिंदुस्तान के कोनों से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों के हमारे भाई हैं जिनका ये एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। कपड़ा अलग है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी के साथ साथ बेड शीट्स हों या मुख्तलिफ और चीज़ें हों वो भी इनकी जानिब से यहाँ पर मुहैया की जाती हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एग्ज़िबिशन जो है कला केंद्र के अंदर लगा हुआ है, आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पर, आके शॉपिंग करें, देखें, अगर आपको कपड़ा अच्छा लगता है तो आप अपने लिए ख़रीद भी सकते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।